मोबाइल स्विच ऑफ होने पर, पावर ऑफ होने पर किसी का कॉल आता है तो कैसे पता करें, इसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। मोबाइल को आप अपने फ्लाइट मोड में रखते हैं या नेटवर्क क्षेत्र से बाहर आता है, उसके बाद फिर से आप अपने मोबाइल को ऑन करते हैं, उस टाइम किसी का कॉल आता है तो कैसे आप पता करेंगे। इसके लिए जो है कंपनी की तरफ से एक मिस कॉल अलर्ट का इस टाइप का एक नोटिफिकेशन आता है, तो ये आपको एक्टिवेट करना पड़ता है। तो जियो वीआई एयरटेल के सिम में आप मिस कॉल अलर्ट कैसे एक्टिवेट करेंगे और कैसे अपने मोबाइल पर आप इस टाइप से मिस कॉल रिमाइंडर का नोटिफिकेशन पाएंगे, इसके बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इस टाइप से मिस कॉल अलर्ट का नोटिफिकेशन आता है जिसमें सामने वाले का मोबाइल नंबर और किस टाइम पर कॉल आया था सब कुछ डिटेल देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले बात करते एयरटेल सिम वालों के लिए, अगर आपके पास एयरटेल का सिम है तो मिस कॉल अलर्ट जो है पहले से एक्टिवेट नहीं रहता है, इसे एक्टिवेट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको प्ले स्टोर पर जाना है, एयरटेल थैंक्स सर्च करेंगे तो एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना है, एयरटेल का मोबाइल नंबर इसमें आप इंटर करेंगे तो इस पर आपका अकाउंट बन जाएगा और आपके मोबाइल नंबर का सभी डिटेल्स इसमें देखने को मिल जाता है, तो एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद जो है सिंपल सा आप ओपन करेंगे, लॉगिन करने के बाद यहाँ पर इसको डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कॉल मैनेजर का। पहले ये ऑप्शन जो है मिस कॉल अलर्ट के नाम से था, बट अभी के टाइम जो है कॉल मैनेजर के नाम से देखने को मिलता है। इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का जो है यहाँ पर हाईलाइट करेगा, इस तरह से यहाँ पर मिस कॉल अलर्ट आपको देखने को मिलेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अलाउ परमिशन, इस पर क्लिक करेंगे, जो भी परमिशन मांगे यहाँ पर अलाउ करेंगे। यहाँ पर जो है आपके फ़ोन में दो सिम कार्ड लगाए तो यहाँ पर सिम कार्ड सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। मेरे नंबर पर मिस कॉल अलर्ट पहले से एक्टिवेट है, बट अगर आपके नंबर पर एक्टिवेट नहीं है पहले से तो यहाँ पर अलर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर ऑन करने का ऑप्शन आएगा, मिस कॉल अलर्ट आपको ऑन कर देना है। उसके बाद किसी का कॉल आता है, मोबाइल आपका स्विच ऑफ रहता है उस टाइम किसी का कॉल आता है तो अलर्ट जो है एक नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। नोटिफिकेशन जो है कुछ इस टाइप से आता है, यहाँ पर फ्लाइट मोड में हमने किया था, फिर से ऑन किया तो अभी जो है यहाँ पर एक मैसेज आएगा, हम वाइट करते हैं। एयरटेल के सिम में यहाँ पर तुरंत मैसेज आ जाता है, कुछ सेकंड लगता है, बट इस टाइप से जो है यहाँ पर एक दो मिनट के अंदर इस टाइप से मैसेज देखने को मिल जाएगा। बट इसमें किसका कॉल आया था मोबाइल नंबर शो नहीं करता है। अगर आप यहाँ पर मोबाइल नंबर देखना चाहते हैं तो इसके लिए जो है आपको यहाँ पर एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन जो आपने इंस्टॉल किया था इसे ओपन करेंगे। यहाँ पर कॉल मैनेजर पर क्लिक करके अलर्ट में आएंगे तो यहाँ पर जो है जिसका भी कॉल आया था उसका मोबाइल नंबर, नाम वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं अगर आपके पास वीआई का सिम है तो वीआई के सिम में आप मिस कॉल अलर्ट कैसे देखेंगे, कैसे एक्टिवेट करेंगे। इसके लिए आपको प्ले स्टोर पर जाना है, वीआई सर्च करेंगे तो एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद ओपन करेंगे और मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद लॉगिन करेंगे। उसके बाद जो आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, यहाँ पर मिस कॉल अलर्ट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। वीआई के सिम में मिस कॉल अलर्ट जो है पहले से एक्टिवेट नहीं रहता है और मिस कॉल अलर्ट यहाँ पर पाने के लिए 30 रुपये का जो है आपको यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, यानी कि जो है 30 रुपये का रिचार्ज करना पड़ेगा अलग से। मुझे नहीं लगता है यहाँ पर कोई 30 रुपये देगा, पेमेंट करेगा मिस कॉल अलर्ट का नोटिफिकेशन पाने के लिए, बट अगर आपके नंबर पर जरूरी है आप यहाँ पर 30 रुपये वीआई ऐप में ऐड करके प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। पेमेंट करेंगे तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन हो आपका एक्टिवेट हो जाएगा और मिस कॉल अलर्ट जो है यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा, आपके नंबर पर देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपके पास वीआई का सिम है तो आप यहाँ पर वीआई ऐप में आकर मिस कॉल अलर्ट जो है एक्टिवेट कर सकते हैं, यहाँ पर 30 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो बात करते हैं जियो सिम के लिए, यहाँ पर मोबाइल को हमने एरोप्लेन मोड में किया था, हम यहाँ पर इसे ऑफ करते हैं। तो अब जो किसी का कॉल यहाँ पर अगर आया था एरोप्लेन मोड में हमने जब किया था, तो ऑन करने के बाद जो है फिर से यहाँ पर एरोप्लेन मोड या जो मोबाइल स्विच ऑफ था उसके बाद फिर से आप ऑन करते हैं तो किसी का कॉल आया था उस टाइम यहाँ पर इस टाइप से मैसेज देखने को मिल जाता है मिस कॉल अलर्ट का। सामने वाले का नाम अगर आपने सेव किया था तो यहाँ पर नाम देखने को मिल जाएगा, मोबाइल नंबर देखने को मिल जाएगा और किस टाइम पर कॉल आया था वह यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो जियो के सिम में पहले से एक्टिवेट रहता है, इसमें एक्टिवेट आपको नहीं करना पड़ेगा। जियो के सिम में प्रॉब्लम यह रहता है, जब भी मोबाइल आपका स्विच ऑफ रहता है उस टाइम किसी का कॉल आया था, जब आप अपने मोबाइल को ऑन करते हैं तो तुरंत जो है इस टाइप से कई बार
मिस कॉल अलर्ट का नोटिफिकेशन आ जाता है, बट कई बार जो है एक से दो घंटे के बाद यह मैसेज आता है, तो कई बार यहाँ पर लेट आता है, बट यह पहले से एक्टिवेट रहता है। जियो की सिम में आपको एक्टिवेट नहीं करना पड़ता है। तो इस टाइप से आप जियो वी आई एयरटेल की सिम में मिस कॉल अलर्ट एक्टिवेट कर सकते हैं, और मोबाइल स्विच ऑफ होने पर भी स्विच ऑफ होने के बाद फिर से ऑन करते उस टाइम किसका कॉल आया था आप पता कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।